एक घटना ऐसी घटी जिसे मैं कभी शायद जीवन में भूल नहीं पाता हूँ। उसके जब दम घुटने लगा तो उसने मुर्गो किसी तरीके से आवाज़ लगाई। रूम का ग्लास जो है वो क्रैक हो चुका था और इतना ज़्यादा उसके अंदर फोग हो चुका था कि हम उसे मरते मरते बचे। जीवन के ऐसे एक दो दुखद पल भी आए परिवार में, जिसकी वजह से पूरे शरीर को हिला के रख दिया। ईश्वर की ऐसी कृपा रही कि मैं उतनी तेज़ रफ्तार की गाड़ी से, जिसमें मैं, मेरे मम्मी पापा और मेरे बच्चे बैठे थे, और वो गाड़ी पूरी कंट्रोल हो गई और मैं उसमें से बच पाया। हमारे इंडिया का यूथ जो है इस पोर्न इंडस्ट्री की तरफ इतना आकर्षित है कि हमारे युवाओं का जो भविष्य है वो बड़ा दूषित होने वाला है। नमस्कार, मैं ब्रजमोहन शर्मा। बेसिकली मैं उत्तर प्रदेश मथुरा जिले का रहने वाला हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है रेलवे सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी में पूरी हुई। मेरे पिताजी रेलवे में चीफ लोकल इंस्पेक्टर से रिटायर हुए। प्रारंभिक में उनकी तनख्वाह वगैरह बड़ी कम हुआ करती थी, जिससे हम सभी लोगों की जो शिक्षा है वो बड़ी विकट परिस्थितियों में पूरी हुई। 12th क्लास करने के बाद मैंने जो अपना एडमिशन ले लिया वो ले लिया गवर्नमेंट कॉलेज गंगापुर सिटी के अंदर। उस दौरान हमारे परिवार में खर्चे बढ़ गए, तो उस दौरान हमें घर के भी काफ़ी कार्य करने पड़ते थे, जैसे सुबह सुबह खेतों में जाना और वहाँ से जानवरों के लिए चारा लेके आना, वहाँ से चारे को जानवरों को डालना, मम्मी की हेल्प कराना, इस तरीके के काफ़ी कार्य करते हुए हम लोगों ने अपनी एजुकेशन और ग्रेजुएशन गंगापुर सिटी से पूरी की। पढ़ने में थोड़ा एवरेज और एवरेज से थोड़ा ठीक, जिस माहौल में हम रहते थे वहाँ के हम प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में थे, तो पेरेंट्स का काफ़ी सपोर्ट रहा और पेरेंट्स को आशा थी कि ये आगे पढ़ सकता है, उसको आगे पढ़ाना चाहिए। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में MSc करने के लिए एडमिशन ले लिया और रेगुलर हमने MSc की। MSc के दौरान भी हमें दो तीन ऐसे मित्र मिले जिनका काफ़ी हमें सहयोग रहा। हमारा एक मित्र जो कि प्रारंभिक दौर में काफ़ी गरीब परिवार से था, लेकिन आज ईश्वर की कृपा से उस मित्र के मेडिकल कॉलेज और काफ़ी कभी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट उसके खुले हुए हैं। इसके उपरांत हमारी इच्छा थी कि हम अपने मुकाम को पाकर रखें और मुकाम था प्रोफेसर बनना। इस कारण से BEd करने का कभी मन में विचार नहीं आया। एक दो साल तैयारी करने के बाद जब हम सफलता प्राप्त नहीं कर पाए, तो उस दौरान घर वालों का थोड़ा दबाव आया और हम ने BEd करने की सोची। BEd करने के उपरांत मैं और मेरा क्लासमेट जिस रूम में रहा करते थे वहाँ पर लाइट बड़ी जाया करती थी। उस लाइट से बचने के लिए हम लैंप में पढ़ाई किया करते थे और उस BEd का जो हमारा माध्यम था वो अंग्रेजी माध्यम था। अब हम हिंदी विद्यार्थी, अंग्रेजी में थोड़ी पढ़ाई करने के दौरान हमें थोड़ी सी समस्याएं आती थी, तो हम रात रात भर मेहनत किया करते थे। एक घटना ऐसी घटी जिसे मैं कभी शायद जीवन में भूल नहीं पाता हूँ, और वो घटना ऐसी थी कि सर्दियों का समय था और उसमें हम हीटर का प्रयोग किया करते थे और लैंप से पढ़ाई किया करते थे। जमीन पर सोने के दौरान हम लैंप की ऊंचाई थोड़ा ऊंचा करने के लिए लैंप को हीटर पर रख लिया करते थे। पढ़ते पढ़ते एक दिन नींद आ गई और लाइट चली गई थी। सोते सोने के बाद में लाइट आ गई तो हीटर जला, और हीटर जलने के बाद में वो लैंप के अंदर से इतना धुआं उठा कि वो मेरे मित्र के गले में चला गया, क्योंकि मैं रजाई उड़कर सो रहा था और वो मुंह खोल कर सो रहा था। उसके जब दम घुटने लगा तो उसने मेरे को किसी तरीके से आवाज़ लगाई। रूम का ग्लास जो है वो क्रैक हो चुका था और इतना ज़्यादा उसके अंदर फोग हो चुका था कि हम उस दिन मरते मरते बचे।
मकान मालिक के डर से पूरी दीवारें काली हो चुकी थी, वो रात भर हमने सफाई की। उसके बाद में परिवार ने शादी कर दी। शादी के दौरान हम बड़े उत्साहित थे, लेकिन बट मन में चिंता थी कि अब हमें थोड़ा आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ रहा था, तो हमने सोचा कि अब कुछ अपना कुछ अर्निंग भी करना पड़ेगा। इसके बाद जयपुर में जिया जी के सहयोग से एक निजी विद्यालय ज्वाइन किया और उस निजी विद्यालय में भरपूर मेहनत की। बच्चों का ऐसा प्यार मिला और पढ़ाने का थोड़ा तरीका जो था वो बच्चों के साथ फ्रेंडली रखा और दिन रात मेहनत की। सुबह 5 बजे से लेकर और 9 बजे तक अपने ज्ञान को बच्चों के साथ बांटा और काफी प्रयोग किए, पढ़ते रहे, बच्चों को पढ़ाते रहे। एक अच्छा शिक्षक वही होता है जो सदैव अपने आप को निखारता रहे और समय के अनुसार अपने आप में बदलाव करता रहे। आज वर्तमान परिवेश में जितने परिवर्तन शिक्षा के क्षेत्र में आए हैं, यदि उसे हम नहीं अपनाएंगे तो पिछड़ जाएंगे। कई मेरे जीवन में ऐसे पल आए जिस दौरान मेरे मित्रों ने मेरी काफी मदद की और ये जितना भी परिदृश्य मेरे 10 से 15 साल के बीच में रहा, मैं एक किराए के मकान में रहकर मैंने ये सारा संघर्ष किया। पैसा मैंने काफी कमाया, लेकिन उस दौरान जब मुझे 15 लाख का मकान मिलता था तो मेरे पास 10 लाख थे, और जब मेरे पास 15 लाख थे तो मुझे 20 लाख का मकान मिलता था। किसी से उधार लेने की कभी प्रवृत्ति रही नहीं, सारे काम नगद में किए। बट एक दिन बड़े भाई साहब की वजह से उनका प्रोत्साहन मिला और करवा चौथ के दिन अपनी पत्नी को एक मकान गिफ्ट किया। आज सभी की कृपा से, ईश्वर की कृपा से सब कुछ हमारे पास में है और जीवन के ऐसे एक दो दुखांत पल भी आए परिवार में जिसकी वजह से पूरे शरीर को हिला के रख दिया। एक बार मेरे पिताजी को रोते हुए मैंने जीवन में एक बार देखा, जब एक घटना ऐसी घटी परिवार में कि एक परिवार का सदस्य बहुत बुरी ट्रेजेडी में फंस गया। एक मेरे जीवन में एक मित्र भी मेरा ऐसा आया जिसने मुझे काफी सहयोग किया और काफी अच्छी अच्छी सलाहें दी। उनकी सलाहों से और उनके सहयोग से मैं काफी अपनी आर्थिक दृष्टि से काफी अपने आप को मजबूत समझता हूँ उसकी सलाह और उसकी वजह से। एक शिक्षक को हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। कई बार ऐसे विद्यार्थियों के साथ में रहने का अवसर मिला। एक मेरा विद्यार्थी जो कि CBI में उसने टॉप किया और जब मेरा उसने नाम लिया एक इंटरव्यू के अंदर कि उसके मैथ्स में फुल में से फुल मार्क्स आए, तो उसने मेरा नाम लिया तो मुझे इतनी अपार खुशी प्राप्त हुई। उस विद्यार्थी का नाम रोहित जायसवाल। उस विद्यार्थी के बाद एक और मेरा विद्यार्थी जो कि मेजर बना और काफी सालों के बाद किसी अपरिचित व्यक्ति से उसने पूछा कि वो BM सर अभी वहां पर हैं क्या और मैं उनसे मिलना चाहता हूं, तो उस विद्यार्थी के मेजर बनने के बाद वो जो खुशी प्राप्त होती है एक अध्यापक को कि उसका एक विद्यार्थी इतने बड़े बड़े औहदों पर पहुंचकर उसको जो खुशी देता है उसका कोई मूल्य नहीं होता और उसकी कोई कीमत नहीं होती। इस तरीके के पल जब जीवन में आते हैं तो वो किसी से तुलना नहीं किए जा सकते। इसी तरीके से एक बार मेरे साथ ऐसी घटना घटी कि मैं कहीं जा रहा था और जाते जाते मेरी कार का टायर जो है पूरी तरीके से फट चुका था। ईश्वर की ऐसी कृपा रही कि
मैं उतनी तेज रफ्तार की गाड़ी से जिसमें मैं, मेरे मम्मी पापा और मेरे बच्चे बैठे थे, और वो गाड़ी पूरी कंट्रोल हो गई और मैं उसमें से बच पाया। इस तरीके के काफी सारे प्रसंग मेरे जीवन से जुड़े हुए हैं। तो मैं यही चाहता हूं कि यदि कोई शिक्षक आगे बढ़ना चाहता है तो उसे निरंतर और निरंतर प्रतिदिन एक विद्यार्थी की तरह अध्ययन करना चाहिए, जिससे कि वो अच्छे से अच्छा विद्या अध्यापक और शिक्षक बन सके। मेरे जीवन में जो मुझे प्रेरणा आगे बढ़ने की मिली, वो मेरे बड़े भ्राता ओम प्रकाश शर्मा से मिली, जिन्होंने किसी भी पल मेरे को जितनी भी परेशानी आई या पढ़ाई के दौरान मुझे जिस भी चीज की आवश्यकता हुई, जैसे पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं थी तो आर्थिक दृष्टि से यदि मुझे कभी किसी पैसे की आवश्यकता है या मुझे बुक्स की आवश्यकता है, तो जो मदद मेरे बड़े भ्राता ने मेरी की, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सभी के बड़े भ्राता मेरे बड़े भ्राता जैसे हों, जिससे कि कभी जीवन में कोई संकट ना आए और जब संकट आए तो वो हमेशा साथ खड़े मिलें और कभी किसी परेशानी को सामने ना आने दें, ऐसा मैं समझता हूँ। एक अध्यापक को अपना चरित्र जो है इस प्रकार से रखना चाहिए जो कि सभी विद्यार्थियों और पूरे समाज के लिए आदर्श रहे। अध्यापक के जीवन में एक एक बात समाज नोट करता है और उसको नोट करके पूरे समाज में बताया जाता है कि इस तरीके का व्यवहार समाज में रखना चाहिए। एक अंत में मैं एक बहुत ही चिंतनीय बिंदु पर चर्चा करना चाहूंगा कि वर्तमान में जो हमारे विद्यार्थियों में पॉर्न इंडस्ट्री की तरफ जो लगाव बढ़ रहा है, जिस पर सरकार कुछ हद तक काम कर रही है लेकिन पूर्णतः रोक नहीं लगा पाई है, और पूरे ग्लोबल सिस्टम में हमारे इंडिया का यूथ जो है इस पॉर्न इंडस्ट्री की तरफ इतना आकर्षित है कि हमारे युवाओं का जो भविष्य है वो बड़ा दूषित होने वाला है। यदि इस प्रकार का यूथ हम इन कामों में यदि लगा देंगे तो हमारे भारत देश का जो भविष्य है वो बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण रहने वाला है। तो मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो पॉर्न इंडस्ट्री है, इसका जो बढ़ता हुआ ग्राफ हिंदुस्तान के अंदर है, उस पर किसी भी प्रकार से रोक लगाई जाए, जिससे कि हमारे हिंदुस्तान का जो यूथ है वो इस ओर आकर्षित ना होकर और अपने आचरण विचारों को देश और शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रख सके, जिससे हमारा भारतवर्ष आने वाले भविष्य में नई ऊंचाइयों को छू सके। धन्यवाद।